गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। RWS गुरु डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। महासंग्राम के टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 15 में लेकर आ चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या होगा। देखिए, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है खेलों से संबंधित क्वेश्चन आए, तो किस देश का कौन सा खेल है वो भी मैं आपको सारे यहाँ पे बताऊंगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई थी। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 1961 को गुट निरपेक्षता की जो है स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है और थोड़ा गलती कर जाते हैं बच्चे, तो कभी नहीं करनी आपको। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, संस्कृत। तो वेदों की जो रचना है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार कह सकते हो आप, उसके विरोध में किसने केसर आ हिंद, देखिए केसर आ हिंद, केसर आ हिंद की उपाधि लौटा दी थी, यानी अंग्रेजों को अपनी जो उपाधि उन्होंने दी थी वो लौटा दी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो उपाधि लौटा दी थी, जो केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने उनको दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। देखिए किसके चारों ओर, यानी किस महासागर के चारों ओर जो है भूकंप की सक्रिय पेटी है, तो आपको पता होगा प्रशांत महासागर, प्री पेटीज प्रशांत महासागर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के घुमावदार पक्ष से किस झील का निर्माण होता है। देखिए नदी के घुमावदार जो पक्ष होता है उससे आपको पता होगा गोखुर झील का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, गोखुर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जनरल नॉलेज से मैं उन्हें पता नहीं होता कुछ, तो वो क्या है मौखिक टेस्ट नहीं लगा पाते हैं, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन मौखिक टेस्ट नहीं लगा पाते हैं, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि वो भी उस फाइट में आ सकें और वो भी अपना कुछ कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करो। अगर चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अगला हमारा है चीन का मैनचेस्टर, तो आपको पता होगा शंघाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया गया है या दर्शाया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया है, हरा क्वेश्चन लगा देते हैं अब, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, नीला। तो ऑप्शन नंबर सी आपको मानचित्र में नीले उससे दिखाया जाता है। आपने देखा होगा मानचित्र में नीली सी लाइन जाती है ना, तो वो ये नदी है। तो डोलो राइट किस प्रकार की चट्टान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान है डोलो राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज के, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें।